फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। फ्रेंड्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ डैंड्रफ से सिर्फ दो दिन में छुटकारा दिलाती है इस तेल की मालिश। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से मेकअप ब्यूटी फैशन और हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे जिन्हें अपना कर आप हमेशा खूबसूरत और फिट रह सकती हैं। सही देखभाल के अभाव में बालों में कई समस्याएं हो सकती हैं। डैंड्रफ या रूसी भी उनमें से एक है जो सिर की त्वचा में स्थित मृत कोशिकाओं के कारण पैदा होती है। बालों में डैंड्रफ होने से बाल बेजान हो जाते हैं, गिरने लगते हैं और सिर में खुजली भी रहती है। लेकिन बालों की थोड़ी सी देखभाल और घरेलू उपायों द्वारा आप न सिर्फ बालों की समस्या का समाधान कर सकते हैं बल्कि डैंड्रफ से भी छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। बालों की सफाई। डैंड्रफ का सबसे बड़ा कारण है स्कैल्प की ठीक तरह से सफाई न हो पाना। अधिक पसीना और सीबम उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों के ज्यादा सक्रिय होने के कारण भी यह समस्या होती है। इसलिए डैंड्रफ की समस्या होने पर बालों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आपको हफ्ते में 2 से 3 बार बालों को किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से धोना चाहिए। तेल की मालिश। बालों की सभी समस्याओं खासकर डैंड्रफ का भी सबसे कारगर उपचार है तेल मालिश। तेल मालिश से बालों को पोषण मिलता है, सिर की मांसपेशियां उत्तेजित होती हैं और रक्त संचार भी तेज होता है और बाल स्वस्थ सुंदर घने लंबे और रूसी रहित बनते हैं। इसलिए हफ्ते में 1 बार तेल लगाकर बालों की मालिश करना अति आवश्यक है। स्टीम। मालिश के पश्चात बालों के रोम कूपों से गंदगी व मैल साफ करने के लिए स्टीम देना अच्छा रहता है। इसके लिए गर्म पानी से तौलिया भिगोकर बालों पर अच्छी तरह से लपेट लें। स्टीम से रोम कूपों में फंसी मैल और मृत कोशिकाएं आदि निकल जाती हैं व तेल भी अच्छी तरह से सिर की त्वचा में चला जाता है जिससे बालों की जड़ें मजबूत बनती है और डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है। आंवला। स्वस्थ एवं सुंदर बालों के लिए केरोटीन आवश्यक तत्व है जो आंवले में पाया जाता है। बालों को पोषण देने के लिए आप आंवले का तेल लगा सकते हैं या तुलसी और आंवले के पाउडर का लेप बनाकर इस लेप से सिर पर मालिश करें और लगभग आधे घंटे के लिए इस लेप को लगा रहने दें। इसके बाद शैम्पू से बालों को अच्छी तरह से धो लें। डैंड्रफ की समस्या के लिए यह बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। सहजन की फलियां। सहजन की पत्तियों के रस को लगाने से डैंड्रफ खत्म हो जाती है। सहजन की फलियों को उबालकर तैयार किया गया पल्प नहाते समय सिर पर शैम्पू की तरह इस्तेमाल किया जाए तो यह बाजार में उपलब्ध किसी भी विटामिन ई युक्त शैम्पू से बेहतर साबित होगा। मेथी। मेथी में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है जो बालों की जड़ों को पोषण देता है। मेथी से उपचार के लिए 2 चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पीस लें। इस लेप को अपने बालों और सिर पर कम से कम 30 मिनट के लिए लगाएं। 30 मिनट के बाद बालों को किसी अच्छे हल्के शैम्पू से धो लें। इससे रूसी हटेगी, बाल मजबूत होंगे और टूटने से बचेंगे। तिल का तेल। तिल का तेल लगाने से बाल मजबूत घने लंबे होते हैं और साथ ही रूसी भी दूर होती है। इसके लिए बालों में तिल के तेल की मालिश करें। मालिश के बाद बालों को गर्म तौलिए से स्टीम करें। इस तरह 5 मिनट तक करें। थोड़ी देर बाद सिर को धो लें। नींबू का रस। नींबू के रस में विटामिन सी ए बी फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिससे बाल चमकदार और घने बनते हैं। अगर बालों में डैंड्रफ है तो गर्म तेल में नींबू के रस को डालकर मालिश करने से यह दूर हो जाती है, साथ ही बालों का झड़ना भी रुक जाता है। नहाने से पहले नींबू के रस से सिर की मालिश कर बालों को धोने से भी फायदा होता है। दही और काली मिर्च। दही के सेवन से स्कैल्प पर नमी आती है जिससे डैंड्रफ से छुटकारा पाया जा सकता है। डैंड्रफ की शिकायत होने पर बालों को दही में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सिर धोएं। यह हफ्ते में 2 बार अवश्य करें। इससे बालों की डैंड्रफ तो दूर होगी, साथ ही बाल मुलायम काले लंबे व घने होंगे। तो ये तो फ्रेंड्स डैंड्रफ से सिर्फ 2 दिन में छुटकारा दिलाती है।
इस तेल की मालिश। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेकअप, ब्यूटी, फैशन और हेल्थ से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकती हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।